जल्द ही एक बड़ा रहस्य सामने आएगा। वारिस अली सैयद ने एक ऐसे रहस्य की सूची दी है जो गिरोह के सदस्यों के पूरे सप्ताह को कवर करेगा। सूत्रों के अनुसार, जिस ईमेल से प्रिंट आउट लिया गया था और उसी को स्टेटमेंट में भी कैद किया गया होगा। आसिफ कपाड़िया उन कागजातों को कहां ले जाते हैं जिसके लिए कुछ गवाह होंगे, ऐसी आशंकाएं बताई जा रही हैं। यह इतना बड़ा खुलासा होगा कि वारिस अली सैयद ने मामले की पूरी जानकारी सिर्फ कागज पर छापी और इसमें व्हाट्सएप चैट भी शामिल हो सकती है। रविंद्र गजानन जाधव और सोहेल और अन्य जो इस सप्ताह रिकवरी नेक्सस में हैं, इस तरह के बयान थे। आसिफ उस्मान कपाड़िया द्वारा परिसमाप्त, जिनके लगभग प्रोफेसर प्राप्त हुए हैं, यह हॉकर साउथ मुंबई के सभी हफ्तावसूली नेक्सस का बड़ा रैकेट हो सकता है। केवल एक बात, वारिस अली सैयद को रविंद्र गजानन जड़ाव ने आसिफ उस्मान कपाड़िया और दूसरे उसके चेले चपट से सूचना भिजवाई थी, जिसमें रवि ने यह कहा था कि जो माल मिल रहा है वारिस अली को बोल के ले ले, बाकी इसके जैसे बहुत आए कुछ उखाड़ नहीं सका कुछ। इस बात का काफी सैयद ने दिल पे ले लिया था, क्योंकि रवि ने कहा था कि पुलिस ने इतना बड़ा केस बनाया तब भी अरेस्ट नहीं किया था, आज तक पुलिस में इतना दम नहीं जो मुझे रिक्शा के। यह बात का खुद ने मुनहजुबानी भी लत मार पुलिस स्टेशन में भी स्वीकारा, जहां आसिफ कपाड़िया, सोहेल राजा, चौहान और जफर और दूसरे लोग भी मौजूद थे। वीडियो में भी टेप हुआ है ये, जिसमें आसिफ वारिस अली सैयद को कैसे भी करके पुलिस शिकायत ना करने के लिए कैसे जैसे तैसे मना लिया गया था। हल्कि नीरव काकड़िया आसिफ कपाड़िया बाहर लेफ्टिनेंट मार्क के बाहर भी बात करते हुए नजर आते हैं। हफ्ता वसूली करने वाले की इंसान बातों से काफी भावुक होकर वारिस अली सैयद ने ठान लिया था इनको एक्सपोज करने का मकसद मुंबई पुलिस को चलेगे करने की। ऐसे लोग एक इमेज पे एक दाग लगने और खुद को ताकतवर मानने वाले को मुंबई पुलिस का आज डर है। जो वारिस अली का कहना है, सात माहिन और काई पैसे का भी नुकसान हुआ परवाह नहीं, लेकिन आज ऐसे भरने में सोया इंसान की हसियात का उसे एहसास करवा हुआ, ये मेरे लिए फकर की बात है। और इंसाफ में आसिफ कपाड़िया पे भी जाल लगा गया था, लेकिन वो कैसे सूचना हासिल करने के बाद सतर्क होगा, वरना जनवरी महीने में 5 और 8 तारीख को उसके खिलाफ शिकायत होगी थी। अब तक में कोई भी नाम नमो निशान नहीं है, बल्कि 4 माह ही बाद गली की शिकायत करके अपने आप को सवार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस मिले में कई रिकॉर्डिंग्स है और का ऐसा सबूत भी है जिसमें आसिफ कपाड़िया रवि का कितने करीबी है और कैसे इनके संबंध है वो सुन के ही पता चल रहा है। लेकिन कहते हैं, सौ तो सुनार की तो एक लोहार की, लगता है कि वे इस तरह के करीब कुछ राजनीतिज्ञ और सिर्फ सप्ताह वसूली नेक्सस सकता है खुलासा नहीं। लेकिन हालांकि सच्चाई नहीं छुपती, बनवत के उसूलों से कभी मर जाते हैं और झूठ कभी नहीं जीवित रहने के रूप में मैं कर देगा सबसे पहले की कॉन्फिडेंस के। ऐसे संगठन चल रहा है जो मुंबई शहर में, जो यह मेरा कर्तव्य भी है, और अब यह आत्मसम्मान के साथ इतना भावना आहत किया और एक पत्रकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे कभी समझौता नहीं किया जाएगा और न ही माफ किया जाएगा। वारिस अली सैयद बस केवल स्पष्ट तरीके है कि एक वीडियो क्लिप के साथ ऑडियो तो मैं वहां का सामना करना होगा, 10 गुना अधिक जुर्माना या किसी भी बात है तो अगर मैं दोषी पाया गया है, जो भी पास में बुलेश्वर और दूसरी ओर सभी दिन और समय डेटा की खुद की ही मैं कर रहा हूँ, एक पहला सबूत और कई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहां हो जाएगा, जो एक दूसरी ही आसिफ कपाड़िया और सभी के मास्टरमाइंड का खुलासा होगा। केवल पूरी क्लिप है मांग, और यहां तक कि जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन विभाजन भी किया गया है, पहले से ही प्रसंस्करण पर जा रहा है, जहां सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि यह हो सकता है कि भीतर आयोजित डिवीजन जेजे मार्ग या पायदुनी से हम कर रहे हैं प्रसंस्करण, और भी कागज के साथ समय प्रस्तुत किया गया था जो आसिफ ने बनाया देकर मुहजुबानी बयान। हमें आशा है कि वहां कैमरे और दिन रविवार था। यह जल्द ही लगी हार्दिक सादर वारिस अली सैयद।